स्टूडेंट्स जो है डाइवर्सिटी में हम सबसे पहलेंगे पढ़ेंगे टंग कैसी होती है। टंग होता क्या है? ठीक है, एक स्ट्रक्चर जो के फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी से, यानी कि जो फर्श होता है बकल कैविटी का माउथ को हम बायोलॉजिकली बकल कैविटी कहते हैं। ठीक है, तो बकल कैविटी के फ्लोर से जो डेवलप होता है उस स्ट्रक्चर को हम टंग कहते हैं, या टंग लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब कई दफा ऐसा होता है कि वो एंटीरियर रीजन जो है माउथ का उससे डेवलप हो रही है या पोस्टीरियर रीजन से हो रही है। ठीक है, यानी कि अगर ये बकल कैविटी है, ठीक है, इसका ये एंटीरियर रीजन है। ठीक है, अगर इससे ये डेवलप हो रही है तो ये यहाँ पर अटैच होगी। ठीक है, और पिछला जो हिस्सा है इसका, यानी कि पिछले बैक साइड पे, वो फ्री होगी। तो ये जो है ना प्रोट्रूटेबल होती है। ठीक है, इस टंग को माउथ से बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जो इसका हाइंड रीजन है ना, जो टंग है वो उससे अटैच हो, बकल कैविटी के हाइंड रीजन से। ठीक है, तब क्या होती है कि वो अपना अंदर ही रहती है, लेकिन अगर लॉन्ग हो कई दफा तो वो माउथ से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन वो प्रोट्रूटेबल नहीं होती। प्रोट्रूटेबल का मतलब होता है कि पूरी की पूरी निकाल रही है, इसको प्रोजेक्ट आउट, यानी कि माउथ से थोड़ी सी बाहर निकाल ली जाती है, कि यहाँ तक ये पूरे बकल कैविटी में मौजूद है ना, तो आगे से इसको मस्कुलर हो या कुछ ऐसे हो तो वो उसको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीकों से जो है वो टंग या टंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होता है, अटैच होता है बकल कैविटी के फ्लोर से। ठीक है, ये एक डाइवर्सिटी है। ठीक है, और उसके बाद हम टंग्स की डाइवर्सिटी पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है लैम्प्रेस, यानी कि जो के सबसे पहले क्लासिफिकेशन में ग्रुप वर्टिब्रेट्स में आ जाता है, जिसको हम जॉलेस फिशेस कहते हैं। ठीक है, इनके पास जॉ नहीं होते, लेकिन इनकी जो टंग होती है वो प्रोट्रूसिबल होती है। जैसे कि मैंने बनाया कि ये फ्रंट से अटैच होती है और पीछे से ये फ्री होती है, तो वो उसको अपना बाहर निकाल लेती है। प्रोट्रूटेबल का मतलब होता है जो उलट के बाहर निकाल ले। ठीक है, और उसके ऊपर जो हॉर्नी टीथ होते हैं इसकी लैम्प्रेस की जो होती है टंग के ऊपर, जिससे वो क्या करती है कि जब उस टंग को उस अपने प्रे के ऊपर फेरती है, ठीक है, तो उसके जो हॉर्नी टीथ है वो सारा फ्लैश जो है उसका बोझ जो है उसके ऊपर से रैस्प कर लेती है, यानी कि उतार लेती है, और वो टंग अंदर कर लेती है, तो वो बहुत अंदर चला जाता है। उसके बाद आ जाती है फिशेस, जो कि जॉट फिशेस होती हैं। ठीक है, थीके? इनके अंदर जो टंग मौजूद है, लेकिन ऐसी टंग होती है जिसके ऊपर टीथ मौजूद होते हैं। ठीक है, टंग के ऊपर, और ये जो ऐसी वो है जो टंग है कि मस्कुलर नहीं है, जैसे हमारी टंग है वो एक मस्कुलर है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है और रिलैक्स हो जाती है, लेकिन फिशिश की जो होती है ना, जिसके ऊपर टीथ मौजूद होती है, वो टंग जो है वो होल्ड कर सकती है ऐसे प्रे को, यानी कि पकड़ सकती है, बाहर नहीं निकलती है। ठीक है, अंदर ही रहती है, और ये टंग जो है वो नॉन मस्कुलर है। उसके बाद जो है टेट्रापोड्स आ जाते हैं। टेट्रापोड्स यानी कि एम्फीबियंस भी इसमें आ जाएंगे, रेप्टाइल भी, बर्ड्स भी और मैमल्स भी। ठीक है, अब टेट्रापोड्स में जो मुख्तलिफ बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो उनकी कुछ थोड़ी हमने एग्जाम्पल्स आपको बता दिए। ठीक है, फ्रॉग्स एंड सैलामेंडर्स है। ठीक है, आपको पता है कि ये इनकी भी टांग जो होती है वो अपने माउथ से बाहर बकल कैविटी से निकाल सकते हैं, प्रोजेक्ट आउट कर सकते हैं, अपने उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, और वो कैप्चर करने के लिए इंसेक्ट्स वगैरह को। ठीक है, और बर्ड में एक एग्जाम्पल उन्होंने वुड पैकर की दी हुई है, जो जरा कुछ डिफरेंट सी है। इसकी टांग कह सकती है बहुत लॉन्ग होती है, स्पाइनी होती है। स्पाइनी का मतलब होता है उसके ऊपर कांटेदार की कुछ चीज़ होगी, तो उसको हम स्पाइनी कहेंगे। ये इसको यूज करते हैं वुड पैकर जो है इंसेक्ट्स और ग्रब्स जो है, इसी तरह आर्थ्रोपोड्स होते हैं, उनको जो है वो पकड़ने के लिए, उनको उठाने के लिए अपनी टंग को यूज करते हैं। अब मैमल्स में यहाँ पे आपको जो एग्जाम्पल दी हुई है, दो तरह की मैमल्स की बताई हुई है। एक है एंट ईटिंग या टर्माइट ईटिंग। टर्माइट क्या होते हैं? दीमक, उसको जो खाने वाले मैमल्स होते हैं, उनकी टंग कैसी होती है? लॉन्ग एंड स्टिकी टंग होती है, यानी कि बहुत लंबी सी होती है, वो बाहर उसको निकालते हैं और स्टिकी होती है। स्टिकी से के इंसेक्ट्स उसके साथ चिपक जाते हैं, या टर्माइट जो उसके साथ चिपक जाते हैं, तो जब वो टंग अपने माउथ में करते हैं तो उनके अंदर चले जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरी एग्जाम्पल दी है वो कुछ कार्निवोर्स जो है ना मेम्बर्स की एग्जाम्पल दी है। कार्निवोर्स में क्या देते हैं? लॉइन, लिपर्स, कैट्स। ठीक है, इन सब की टंग में खास बात क्या होती है कि उसके ऊपर स्पाइनी पैपिली है। ठीक है, पैपिली क्या होते हैं? उभार होते हैं। स्पाइनी जो है, यानी कि जैसे अगर आप कोई चीज देखिए, रेत माल आपने कभी देखा हो, जो आप लोगों ने फिजिक्स में इस्तेमाल किया होगा, क्या वायर्स को साफ करने के लिए यूज करते हैं ना, उसके अंदर कांटेदार सी चीजें होती हैं, तो
तो वो पूरा जो है ना उसकी टांग इसी तरह स्पाइनी पेपुला होती है, जिसके जरिए ये कार्निवोर्स क्या कहते हैं कि बोन्स के ऊपर से जो है गोर को उतार लेते हैं ये टांग को फेरने से ही, कि रेस्पी पेपिला होते हैं, स्पाइनी पेपिला, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि टीथ कैसे होते हैं।